आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पांच ऐसे फुटेज जिसमें असली भूत को कैमरे में कैद कर लिया गया। दोस्तों, आजकल के बच्चे छोटे उम्र में ही मोबाइल से खेलने लगते हैं। ऐसा ही एक वाकया सामने आया जब एक छोटा बच्चा मोबाइल से खेलते खेलते वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है और मोबाइल को वहीं पर बिस्तर में छोड़कर चला जाता है। उसके बाद जो दृश्य इस कैमरे में कैद हुआ उसे देखकर परिवार में सभी लोगों के होश उड़ गए। जब उन्होंने वीडियो को गौर से देखा तब उन्हें पता चला कि दो आंखें उनके कमरे को घूर रही हैं। ये देखने में बिल्कुल इंसान की आंखों की तरह लग रही थी, लेकिन दोस्तों अंधेरे में किसी भी इंसान की आंखें इस तरह से नहीं चमकती हैं। इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है, यह कोई आदमी है या कुछ और है? यह वीडियो 20 साल पुरानी है जिसे ताइवान के कुछ लोगों ने अपने ट्रैवल टूर के दौरान लिया था। इस ट्रिप से वापस लौटने के बाद उनका एक दोस्त मर जाता है और इसी के वजह से उन्होंने कई सालों तक इस वीडियो को नहीं देखा। लेकिन बहुत सालों बाद जब उन्होंने इस वीडियो को देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि इस ट्रिप में जिस दोस्त की मौत हुई थी उसका चेहरा कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है और इस ट्रिप में उनके पीछे एक बच्ची भी चल रही है जो कि लाल कलर के कपड़े पहनी हुई है, जो कि इस ट्रिप के दौरान उनके साथ थी ही नहीं। इस वीडियो को ताइवान के न्यूज में दिखाया गया। उसके बाद लोगों ने इस लाल कपड़े पहनी हुई बच्ची के बारे में बहुत से बातें कही। जबकि एक ट्रक ड्राइवर ने बताया उसने इस बच्ची को सड़क में दौड़ते हुए देखा था, जिसको बचाने के चक्कर में ट्रक ड्राइवर मरते मरते बचा। लाल कपड़ों में इस बच्ची से ताइवान के कई लोग आज भी डरते हैं, जिसके ऊपर द टैग अलोन नाम की फिल्म भी बनाई गई है। हमारी अगली वीडियो 2003 की है। इस वीडियो को न्यूज में भी दिखाया गया था जिसे देखकर कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया था, जिसकी वजह थी एक ऐसी लड़की जिसकी परछाई नहीं थी जो कि कुछ बच्चों के बीच में से दौड़ती हुई दिखाई देती है। Halos tayo. So, sa tingin po namin nabulabog eh, kasi nag-ingay po kami. Sigurado rin umano sila. आपको बता दें कि यह वीडियो एक्सपर्ट्स के द्वारा भी जांच की जा चुकी है कि वहां पर सभी बच्चों का साया मौजूद है, तो फिर इस लड़की का साया आखिर गायब क्यों था? सबसे हैरत की बात यह थी कि यह भी नहीं पता चल पाया कि वह लड़की कौन थी। इस वीडियो को ध्यान से स्लो मोशन में देखिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि इस वीडियो में ऐसा क्या है जो इसे रिकॉर्ड करने वाला इतना डर गया और ये फेसबुक में इतनी ज्यादा वायरल क्यों हुई थी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में एक शख्स अपने बेटे के साथ स्विमिंग पूल में खेल रहा है, लेकिन इसी दौरान जब बच्चा बाहर निकल रहा होता है तब एक हाथ नीचे से आकर उसे टच करता है और वापस अंदर चला जाता है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वालों की माने तो उनके आसपास उस वक्त कोई नहीं तैर रहा था। फिर वीडियो में यह हाथ कैसे दिखाई दिया, यह समझ पाना बहुत मुश्किल है। जापान में एक हॉस्पिटल के बारे में कई अफवाहें थी जिसे दूर करने के लिए एक न्यूज एजेंसी वहां पर आई। इस न्यूज एजेंसी ने यहां के कई लोगों का इंटरव्यू लिया
जिन्होंने बताया कि यहां उन्होंने अजीब सी चीजें देखी हैं। इसके बाद न्यूज एजेंसी की टीम रात में हॉस्पिटल में जाती है और उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स भी थे जो कि मानते हैं कि भूत कभी कभार तस्वीरों में नजर आ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें।